हाय फ्रेंड्स, लर्नविद फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दूसरी इकाई, आठवीं कक्षा, हिंदी सुलभ भारती। हिंदी सुलभ भारती में जो एक नंबर की कविता है, कविता का नाम है धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके इस कविता के नीचे पेज नंबर 25 से लेकर 26 तक जो भी सवाल आए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं इस कविता में आए सभी सवालों के जवाब। यहाँ पर हमें दिया है कल्पना पल्लवन। कल्पना पल्लवन में हमें विश्व शांति की मांग सर्वाधिक प्रासंगिक है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। तो इस तथ्य पर अपने विचार इस प्रकार लिख सकते हैं, विश्व शांति पूरी पृथ्वी में अहिंसा स्थापित करने का एक माध्यम है, जिसके तहत देश या तो स्वेच्छा से या शासन की एक प्रणाली के जरिए इच्छा से सहयोग करते ताकि युद्धों को रोका जा सके। विश्व के हर एक देश के हर देशवासी के हृदय में सिर्फ प्रेम और करुणा की भावना का ही विस्तार हो और किसी भी देश की किसी अन्य देश के प्रति तनिक मात्र भी ईर्ष्या न हो। इसी के ही आगे हमें 26 नंबर पेज पर कुछ सवाल दिए, उन सवालों के जवाब इस प्रकार है, सूचना के अनुसार कृत्या करो। सूचना के अनुसार कृत्या करो में प्रवाह तालिका पूर्ण करने के लिए हमें यहाँ पर कहा है कवि की अपेक्षाएं। तो कवि की अपेक्षाएं क्या है? धरती का आंगन महकता रहे, किंतु न हो संबंध विनाशक असुरों का इंसान से, अभिलाषाएं सदैव मुस्कुराए, और पैरों की गति बांधी हुई हो विश्वासों की राह में। इसी के ही बाजू में हमें दो नंबर का सवाल दिया है कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करो में धरती का आंगन इनसे महके, किनसे महके? कर्म ज्ञान से और विज्ञान से। कविता में इस प्रकार कर्म ज्ञान से और विज्ञान से ये शब्द यहाँ पर आए हैं। इसी के नीचे दो नंबर दिया है धरती का श्रृंगार इनसे होगा, किनसे होगा? फल से और फूलों से धरती का श्रृंगार होगा। ये जो चित्र है ना, इस चित्र के बाजू में यहाँ पर आया है फल से और फूलों से। तीन नंबर का सवाल दिया है उत्तर लिखो। उत्तर लिखो में एक नंबर दिया है मेधा की ऊंचाई नापेगा, मेधा की ऊंचाई नापेगा प्रतिभा का पैमाना, कविता में यहाँ पर आया है। और दो नंबर दिया है हम सब मिलकर करें जयगान से वसुधा की अर्चना, कविता में यहाँ पर आया है। चार नंबर का सवाल दिया है कृति करो। कृति करो में मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है, मानव कहाँ पर पहुंचा है? चंद्रलोक और मंगल ग्रह पे। ये जो चित्र है इस चित्र के बाजू में इस सवाल का जवाब आया है। वीडियो आवडला असेल तर लाईक या बटणावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राइब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल। भाषा बिंदू में हमें अ दिया आहे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। आपको समानार्थी शब्द लिखने है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है, तो इनके समानार्थी शब्द इस प्रकार लिख सकते हैं। शरीर का समानार्थी शब्द है तन, मनुष्य का मानव, पृथ्वी का वसुधा, छाती का सीना, प,
पद का रास्ता और वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे अलग वाक्य में प्रयोग करना है तो आप इन शब्दों का अलग वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हो। इसी के नीचे हमें आ दिया है, पाठों में आई सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। आपको सर्वनाम ढूंढने और उनका वाक्य में प्रयोग करना है, तो पाठ में आए सभी सर्वनाम हम सब, आपका, आपकी और वाक्य में इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन में छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। आपको निबंध लिखना है छाते की आत्मकथा। अगर छाता बोलेगा तो कैसे बोलेगा, तो इस विषय पर हम इस प्रकार निबंध लिख सकते। मैंने समझा इस कविता में दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान विज्ञान की महत्वता स्थापित की है। उनके अनुसार हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु शस्त्रों से मानवता को बचाना भी आवश्यक है, और यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार और स्नेह बढ़ेगा। स्वयं अध्ययन में हमें दिया है, प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो, विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। जो प्राचीन भारतीय शिल्पकला है उसके संबंधी आपको सचित्र चित्रों के सही जानकारी संकलित करनी है, और विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। जो विशेष कलाकृति है उनकी सूची आपको, लिस्ट उनकी बनानी है, तो इस प्रकार हम सचित्र जानकारी भी ले सकते हैं और उस कलाकृतियों की सूची भी हम इस प्रकार बना सकते। ये चित्र और ये उनकी सूची और उनकी जानकारी। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं अगले स्वाध्याय में, तब तक बाय, टेक केयर। चैनल ला सब्सक्राइब केला नसेल तर सब्सक्राइब या बटनावर क्लिक करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये, तोपर्यंत बाय, टेक केअर।